अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो सेकंड सिटिंग में संस्कृत सब्जेक्ट के लिए 22 फरवरी 2020 को एग्ज़ाम दिए हैं तो इस वीडियो को अंत तक देख करके अपने ऑब्जेक्टिव का मिलान कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला जो आपका क्वेश्चन है कह रहा है कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं। तो देखिए मंगलम पाठ में जो है आपको 5 मंत्र हैं, मंगलम पाठ में 5 मंत्र है और आपका पहला ही पाठ है मंगलम पाठ। ऑब्जेक्टिव नंबर 2 है कह रहा है कि हिरण मयन पात्रेन डॉट डॉट दृष्टिये यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धृत है। तो देखिए यह मंत्र जो है यह ईशा वासियोपनिषद से उद्धृत है। तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर हो गया ईशा वासियोपनिषद। ऑब्जेक्टिव नंबर 3 कह रहा है कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है। तो देखिए फाइनली है कि आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो उसी से आंसर क्लियर हो जाता है। इनका सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर होगा पटना। ऑब्जेक्टिव नंबर 4 कह रहा है कि दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की। दामोदर गुप्त जो है किस काव्य की रचना की है। तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा डी, कुटनी मत। ऑब्जेक्टिव नंबर 5 कह रहा है कि पटना का इतिहास कितना पुराना है। तो पटना का जो इतिहास है वो 2500 वर्ष पुराना है। तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर होगा 2500 वर्ष। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की हम बात करें। ऑब्जेक्टिव नंबर 6 कह रहा है कि अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन हैं। तो अलस कथा पाठ के रचनाकार जो हैं वो आपको विद्यापति हैं। इनका सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर होगा विद्यापति। तो यहाँ पर जो भी आंसर आपको दिए जा रहे हैं संस्कृत के आचार्य के द्वारा तैयार किए गए हैं, तो इसलिए कोई त्रुटि रहने की संभावना नहीं है। फिर भी एक दो त्रुटि नज़र आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में उनका जवाब दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव नंबर 7 कह रहा है कि नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं। तो देखिए नीतिकार जो आलस्य को शत्रु मानते हैं। तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर होगा शत्रु। हम अगले ऑब्जेक्टिव की हम बात करें। ऑब्जेक्टिव नंबर 8 कह रहा है कि बृहस्वर कैसा था। तो बृहस्वर जो था वो दानशील मंत्री था मिथिला का। तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर होगा दानशील। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की हम बात करें तो कह रहे हैं कि सर्व शुक्ला सरस्वती यह किसकी उक्ति है। तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा डी, आंसर होगा डंडी। ऑब्जेक्टिव नंबर 10 कह रहा है कि जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन थी। तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर होगा गार्गी। ऑब्जेक्टिव नंबर ग्यारह में है कह रहा है कि गायंती देवा डॉट डॉट पुरुषा श्रुतवात यह पद किस पुराण से उद्धृत है। तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा हो गया बी, आंसर हो गया विष्णु पुराण। ऑब्जेक्टिव नंबर 12 कह रहा है कि भारत भूमि कैसी है। तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा वो होगा आपको डी, ये विशाल निर्मला और वत्सला ये सभी है। तो इनका सही ऑप्शन आपको हो गया डी, ए बी और सी तीनों। ऑब्जेक्टिव नंबर 13 कह रहा है कि संस्कार कितने हैं। तो संस्कार 16 प्रकार के होते हैं। तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर हो गया 16। ऑब्जेक्टिव नंबर 14 कह रहा है कि अंत्येष्टि संस्कार कब होता है। तो अंत्येष्टि संस्कार जो होता है वो मरने के बाद होता है। तो इनका सही ऑप्शन आपको हो गया बी, या फर्स्ट सिटिंग में भी पूछे गए हैं क्वेश्चन। अगला ऑब्जेक्टिव नंबर 15 कह रहा है कि पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है। तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा वो होगा आपको सी, आंसर होगा विवाह संस्कार। अब अगला ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव नंबर 16 कह रहा है कि साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतर क्या है। 16 का सही ऑप्शन आपको होगा वो होगा आपको डी, आंसर होगा गोदान। ऑब्जेक्टिव नंबर 17 कह रहा है कि नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। तो देखिए नीति श्लोक का ग्रंथ जो है ये आपका सही ऑप्शन आपको होगा वो होगा ए, आंसर होगा विदुर नीति। ऑब्जेक्टिव नंबर अठारह में कह रहा है कि अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए। तो
इनका सही ऑप्शन आपको होगा वो होगा आपको बी, आंसर हो गया छ। ऑब्जेक्टिव नंबर 19, 19 में कह रहा है कि रूप की रक्षा किससे होती है, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा वो होगा आपको सी, आंसर होगा मृजिया से। ऑब्जेक्टिव नंबर 20 कह रहा है कि भीखन टोला गांव कहाँ है, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा वो होगा डी, ऑप्शन होगा बिहार। ऑब्जेक्टिव नंबर 21 कह रहा है कि दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है, देखिए इसका सही ऑप्शन आपको होगा वो होगा आपको ए, आंसर होगा कर्मवीर कथा। ऑब्जेक्टिव नंबर 22 कह रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती कौन थे, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे वो थे आपको समाजोद्धारक, समाजोद्धारक, तो इनका सही ऑप्शन आपको हो गया बी, आंसर हो गया समाजोद्धारक। ऑब्जेक्टिव नंबर 23 कह रहा है कि आर्य समाज संस्था के संस्थापक कौन थे, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा वो होगा आपको बी, आंसर होगा दयानंद। ऑब्जेक्टिव नंबर 24 कह रहा है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा वो होगा आपको सी, आंसर होगा टंकारा। ऑब्जेक्टिव नंबर 25 कह रहा है कि वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा डी, आंसर होगा मंदाकिनी वर्णम। ऑब्जेक्टिव नंबर 26 कह रहा है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ किस नदी का वर्णन है, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा वो होगा आपको ए, आंसर होगा गंगा। ऑब्जेक्टिव नंबर 27 कह रहा है कि व्याघ्र पथिक कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा वो होगा आपको बी, आंसर होगा लोभ। ऑब्जेक्टिव नंबर 28 कह रहा है कि इदम सुवर्णम कंगनम गृहीतम यह किसने कहा, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा वो होगा आपको सी, आंसर हो गया बाघ। ऑब्जेक्टिव नंबर 29, 29 में कह रहा है कि ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है, तो देखिए इनका सही ऑप्शन आपको होगा वो होगा डी, आंसर होगा शक्र। ऑब्जेक्टिव नंबर 30 कह रहा है कि शिक्षिका शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा वो होगा ए, आंसर हो गया टॉप। अगला ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव नंबर 31 कह रहा है कि इंद्र जोर डिस शब्द से कौन शब्द बनेगा, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर होगा इंद्राणी। ऑब्जेक्टिव नंबर 32 कह रहा है कि किस शब्द से शब्द में डी प्रत्यय है, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा वो होगा आपको बी, आंसर होगा रुद्रानी। ऑब्जेक्टिव नंबर 33 कह रहा है कि स्वतंत्र डॉट डॉट इस सूत्र में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्दों से करें, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर होगा कर्ता। ऑब्जेक्टिव नंबर 34 कह रहा है कि क्रिया विशेषण में कौन सी विभक्ति होती है, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर होगा वो होगा आपको द्वितीय। ऑब्जेक्टिव नंबर 35 कह रहा है कि हिमालयात गंगा पर्वती, हिमालयात गंगा पर्वती यह हिमालयात पद में पंचमी विभक्ति और किस सूत्र से हुई है, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा वह होगा वो आपको सी, आंसर होगा भुव पर्वश्च। ऑब्जेक्टिव नंबर 36 कह रहा है कि यनांग विकार सूत्र का उदाहरण कौन है, यनांग विकार सूत्र का उदाहरण कौन है, तो 36 का सही ऑप्शन आपको होगा वो होगा ए, आंसर होगा सोप्रिस्टेन कुब्ज अस्ति। ऑब्जेक्टिव नंबर 37 इसमें कह रहा है कि पूर्व पदार्थ प्रधानों डॉट डॉट खाली स्थान में उपयुक्त शब्द को भरे, तो 37 का सही ऑप्शन आपको होगा वो होगा वो ए, ऑप्शन हो गया ए, आंसर हो गया तत्पुरुष। ऑब्जेक्टिव नंबर 38 कह रहा है कि किस समास का पहला पद विशेषण होता है, तो इनका सही ऑप्शन आपको हो गया वो हो गया आपको सी, आंसर हो गया कर्मधारय। ऑब्जेक्टिव नंबर 39 कह रहा है कि संस्कृति साहित्यम का विग्रह क्या होगा, तो देखिए
इनका जवाब आप लोग कमेंट करके बताएं, आप लोगों को कमेंट में मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव नंबर 40 कह रहा है कि त्रयान भूमनान समाहार में कौन से कौन शब्द बनेगा, तो 40 का सही ऑप्शन आपको होगा वो होगा ऑप्शन बी त्रिभुवनम। ऑब्जेक्टिव नंबर 41 कह रहा है कि नारनीतम किस संधि का उदाहरण है, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर होगा स्वर। ऑब्जेक्टिव नंबर 42 कह रहा है कि नगरे प्लस अस्मिन से कौन शब्द बनेगा, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा वो होगा सी नगरे अस्मिन, जो ऑप्शन सी में है। ऑब्जेक्टिव नंबर 43 कह रहा है कि गुण संधि का उदाहरण कौन है, गुण संधि का उदाहरण कौन है, तो नीलोत्पलम गुण संधि का उदाहरण है, तो इनका सही ऑप्शन आपको हो गया डी नीलोत्पलम। ऑब्जेक्टिव नंबर 44 कह रहा है कि वृथेव का विच्छेद क्या होगा, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा वो होगा ऑप्शन ए वृथा जोड़ ए। ऑब्जेक्टिव नंबर 51 ऑब्जेक्टिव नंबर 50 कह रहा है कि किस शब्द में सत्री प्रत्यय है, तो 50 का जो है कि ऑप्शन आप लोग जो है कि कमेंट करके बताएं कि कौन सा सही होगा। ऑब्जेक्टिव नंबर 51 है कि कृतवान में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा वो होगा डी त्वक्तवतु। ऑब्जेक्टिव नंबर 52 कह रहा है कि किस शब्द में दिया दा प्रत्यय नहीं है, तो 52 का सही ऑप्शन आपको होगा वो होगा बी ऑप्शन होगा बहुधा ऑप्शन बी। अगला ऑब्जेक्टिव नंबर 53 है कह रहा है कि लघुत्तम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो 53 का सही ऑप्शन आपको होगा वो होगा बी आंसर होगा तमप ऑप्शन बी। अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि त्व प्रत्यय से बना शब्द कौन है, 54 का सही ऑप्शन आपको होगा वो होगा आपको सी पुरुषोत्तम ऑप्शन सी। ऑब्जेक्टिव नंबर 55 कह रहा है कि असी किस धातु का रूप है, तो देखिए इसका सही ऑप्शन आपको होगा वो होगा आपको डी आंसर हो गया अस। अगला ऑब्जेक्टिव इनका भी जवाब आप लोग कमेंट करके बताएं, बाद में कमेंट बॉक्स में इनका जवाब मिल जाएगा। अगला ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव नंबर 57 का है कि गच्छेत किस पुरुष का रूप है, तो 57 का सही ऑप्शन आपको होगा ए आंसर हो गया प्रथम। ऑब्जेक्टिव नंबर 58 कह रहा है कि राजसु में कौन विभक्ति है, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा बी आंसर हो गया सप्तमी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को शेयर नहीं किया है, तो ज़रूर शेयर कर दे, क्योंकि यह क्लासेज का चैनल है, तो इसलिए यहां पर जो भी आंसर की जो भी जानकारी दी जाएगी बिल्कुल सही जानकारी दी जाएगी। ऑब्जेक्टिव नंबर 59 का है कि क किस शब्द का रूप है, तो उनका सही ऑप्शन आपको होगा वो होगा आपको सी किम ऑप्शन सी। ऑब्जेक्टिव नंबर 60 कह रहा है कि साधु शब्द के सप्तमी एकवचन का रूप कौन है, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा वो होगा सी साधु। तो इस प्रकार से आपने सभी ऑब्जेक्टिव का सही आंसर की जाना, कुछ ऑब्जेक्टिव छूट गए हैं तो उनका जवाब आप लोग कमेंट करके बताएं, बाद में कमेंट बॉक्स में जवाब दे दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।